हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर टू, जिसका नाम है हाउ दी डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। ठीक है, उसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। ठीक है, जो कुत्ता है, कुत्ते को क्यों आवश्यकता महसूस हुई किसकी, मास्टर की यानी स्वामी की। ठीक है, कुत्ते को स्वामी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसका आंसर है द डॉग वॉज फीड अप विद द वे ऑफ लाइफ। जो कुत्ता था वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था, यानी कि अपने जीवन से तंग आ चुका था। ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, वो क्या है, भोजन की तलाश में। ठीक है, वो थक चुका था अकेला घूमता घूमता, किसकी, सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन की तलाश में अकेला घूमता घूमता वो थक चुका था। ही वॉज ऑल्सो थ्रेटेंड बाय एनिमल स्ट्रोंगर देन हिम। वो जो कुत्ता था वो धमकाया जाता था एनिमल्स, यानी कि जो दूसरे पशु थे जो उससे स्ट्रोंगर थे, यानी कि जो उससे स्ट्रोंग वाले पशु थे, एनिमल्स थे, वो उनसे धमकाया जाता था। सो ही फील द नीड फॉर ए मास्टर, तो उसको आवश्यकता महसूस हुई किसकी, एक मास्टर की। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई डिड ही फर्स्ट चूज एज ए मास्टर, व्हाई डिड ही लीव द मास्टर। ठीक है, उसने जो कुत्ते था उसने सबसे पहले अपना स्वामी किसको चुना। ठीक है, फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, यानी कि उसने सबसे पहले अपना मास्टर किसको चुना। व्हाई डिड ही लीव द मास्टर, लीव मतलब छोड़ना, मास्टर मतलब स्वामी, व्हाई मतलब उसने अपना स्वामी क्यों छोड़ दिया, पहला स्वामी उसने वो क्यों चुना और जो उसने उसको फिर छोड़ क्यों दिया। ही मतलब के डॉग, द डॉग फर्स्ट चूज ए बिग वुल्फ एज हिज मास्टर, उसने सबसे पहले एक बड़े भेड़िए को अपने स्वामी के रूप में चुना। ठीक है, ही लेफ्ट डेट मास्टर, उसने उस स्वामी को यानी कि उस भेड़िए को छोड़ दिया। क्यों, बिकॉज, क्योंकि द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है किससे, वुल्फ से। ठीक है, उसने सबसे पहले चूज़ किया किसको, एक वुल्फ को, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है किससे, वुल्फ से। ही यानी कि द डॉग फर्स्ट चूज ए बिग वुल्फ एज हिज मास्टर, ही लेफ्ट डैट मास्टर बिकॉज ही बिकॉज द बियर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट किसको चुना, यानी इसने सबसे पहले सोचा पहले क्वेश्चन में कि मैं एक स्वामी यानी कि एक मास्टर को चूज करूँगा, सर्च करूँगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, तो उसने सोचा कि मैं अपने लिए एक स्वामी ढूंढूंगा। उसके बाद उसने एक स्वामी को सबसे पहले किसको ढूंढा, अपने वुल्फ को ढूंढा, लेकिन उसने उसको छोड़ दी क्योंकि उसने देखा कि जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है किससे, वुल्फ से। तीसरे क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने अगला जो स्वामी है वो किसको चुना, नेक्स्ट कौन था। ही नेक्स्ट चूज ए बियर एज हिज मास्टर, उसने एक बियर को चुना अपने मास्टर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि व्हाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो कुत्ता था उसने एक लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, जो शेर है, लॉयन मतलब शेर, सर्व मतलब क्या, सेवा करना, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, तो जो कुत्ता था उसने लंबे समय तक जो शेर है उसकी सेवा क्यों की, इसका आंसर है ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने जो सर्व किया लॉयन को एक लंबे समय के लिए। क्यों, क्योंकि ही वॉज हैप्पी टू लिव विद हिम, वो खुश था कि लिव मतलब रहना किसके साथ, शेर के साथ। ठीक है, वो खुश था रह कर किसके, शेर के साथ। बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू लिव हिम, लिव विद हिम, ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। ठीक है, उसके पास कोई ऐसी शिकायत करने का कोई रीज़न नहीं था, यानी कि उसके पास ऐसा कुछ था नहीं कि किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ रहता था, खुशी से रहता था। ठीक है, हु डिड ही फाइनली चूज एज ए मास्टर एंड वाई। फाइनली मतलब क्या, लास्ट में उसने किसको चूज़ किया अपने मास्टर के रूप में और क्यों। ही फाइनली चूज ए मैन एज हिज मास्टर, ठीक है, उसने लास्ट में मनुष्य को अपने स्वामी के रूप में चुना। बिकॉज, क्योंकि द मैन वॉज मोर पावरफुल देन एनी वन ऑन अर्थ, जो मैन है यानी कि इंसान, मनुष्य, आदमी है, वो मोर पावरफुल यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, एनी वन यानी हर किसी से, किसी से भी, जो इस पूरी अर्थ पर, इस पूरी पृथ्वी पर जो मैन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए फाइनली उसने चुना किसको, एक आदमी को अपने मास्टर के रूप में। ठीक है, ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज मैन वॉज मोर पावरफुल देन एनी वन ऑन अर्थ। ठीक है,
ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको सिक्स क्लास के ही क्वेश्चन आंसर और चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते। आपको वीडियो अच्छी लगी, ये क्वेश्चन आंसर समझ आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।